मॉर्निंग फैमिली ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। आपका छोटा भाई मंगल, बड़ा भाई मंगल, वो रही से नंदनी, सुनंदनी पड़ियां छोड़ रही है और मैं छत में था तो वहां से मैं गाना गा रहा था तेजी से, तो ये भैया नाच रहे थे। ये भैया पता है कौन है? ये अपने घर में आगे छुआए थे, वही है ना? आप बताओ आपका घर कैसा है? कैसा? नव बना था, नव सरकार ने नया दे दिया है ना, तो जो हमने सरपंच बनाया था वो सरपंच ने इनको एक आवास घर दे दिया है। पैसे मिल चुके हैं ना? दस हजार अभी पहले मिले हैं इन्नी इन्नी खुदवाने के। और वहाँ से हम गाना गा रहे थे तो आप डांस कर रहे थे। अभी अभी डांस करोगे? करोगे? हम गाएंगा ना, चलो गा रहे हैं। हम गाए मिलन आग सबो। हाँ, आप डांस करोगे? हाँ। इसका नाम मिलन है। हाँ, अरे फार देव सड़िया या तूरब झूलनिया हो जाके नचाओ नचनिया। नहीं करना चाहिए। चलो मैं गुड मॉर्निंग का सीन है, ठीक है? सुनंदनी कहाँ गई मैं दिखवा देता हूँ। सुनंदनी भैंस को हांकने गई है और मैं जाऊंगा अभी कृष्ण के यहाँ मिलने, तो उनसे मिलूंगा, ठीक है? और सर्दी बहुत ज्यादा है तो सर्दी में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप सब मेरी बात मानोगे और मुझे अपना भाई समझते हो, फैमिली मानते हो, तो हम आपको एक मैसेज देते हैं कि बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपना भी, और जैकेट वैकेट कपड़े अपड़े पहन के रखें सर्दी, क्योंकि इस साल बारिश हुई है ना, बढ़िया सर्दी भी बढ़िया होगी, है ना? तो चलिए मैं चलता हूँ। अच्छा ये बताओ, मैं जैकेट में लग कैसा रहा? मैं ज़्यादा अच्छा वैसे आजकल लगता नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेंशन रहता है, पर तुम्हारा भाई कमज़ोर भी कभी नहीं लगता, हमेशा अच्छा ही लगता है, ठीक है? और ये देखो चश्मा वश्मा लगा के बढ़िया एक गाड़ी वाड़ी लेकर हीरो की तरह चलना है, बस कुछ नहीं करना है। और आप लोग ये भी नहीं सोचना कि मैं काम धाम नहीं करता हूँ, भाई मैं काम धाम करता हूँ, ठीक है? फैमिली आप टेंशन मत लेना, काम धाम करता हूँ मैं। और कहना ना, मेरे काम करने का थोड़ा तरीका अलग है, भले हम पढ़ाई नहीं किए हैं और इस गांव से हैं, पर सोचने का ऐसे तरीका होता है। और आपसे एक काम था, सोचने से मुझे याद आया कि सोचने के लिए वक्त चाहिए हर इंसान को, है ना? तो मैं बिजी रहता हूँ, ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसलिए अगर आप मेरी कुछ मदद करना चाहते हो, चश्मा लगा लो, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो सोच कर कुछ ऐसी बात लिखो जो वीडियो में मैं बना सकूं। अगर और आपका, अगर जैसे आपके यहाँ कोई त्यौहार हो, हमें पता नहीं होता ना कि आज कौन सा त्यौहार है, तो एक दो दिन पहले ही बता दिया करो कि सिर्फ भैया ये त्यौहार आने वाला है, इसकी वीडियो बनाओ। या फिर किसी का जन्मदिन हो तो बता दो कि भैया ये हमारे इसका जन्मदिन है, विश कर दो, तो वीडियो तो बन जाएगा ना हमारा। ऐसे मुझको सोचने के लिए टाइम नहीं होता है, मैं ज़्यादा पता नहीं गांव के बारे में सोचता हूँ क्या क्या सोचता हूँ, तो मुझे वीडियो के बारे में सोचने का टाइम नहीं रहता है, जितना सोच पाता हूँ उतना ही काफ़ी है। आप अगर सोच के जैसे ऐसे कमेंट करते हो, वेरी नाइस, सुपर, वैसे मैं कमेंट सब पढ़ता हूँ, कहते हो गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, ये लिखते हो ये भी लिख दो, कोई बात नहीं। पर एक दो मिनट का टाइम निकाल कर, एक दो मिनट का टाइम निकाल के सोचो, शायरी कुछ भी ऐसी लाइन लिखो आपके दिमाग में हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो वो लिख के कमेंट में लिख दो, ताकि मैं वो पढ़ के कुछ सोचूं। मेरा कम से कम एक घंटे का टाइम कमेंट पढ़ने में जाता है डेली, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ वहाँ रोड वाले घर में, और सही बात बता रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा हूँ। गुड मॉर्निंग मेरे भांजा के साथ, और मेरा भांजा तिलक लगा के बना हुआ है यमराज। क्रिस क्रिस हंस के दिखा, एक क्रिस हंस के दिखा, हंस हंस हंस, ही। जैसा कि देख सकते हो मेरा भांजा क्रिस ये डायलॉग सुनता है ना तो हंसता है वो। और मिलवाते हैं, फैमिली जग गई है कि नहीं जगी है? जग गई है कुछ फैमिली, पता नहीं है कौन सो रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है, सो रहा है। और कैसी हो आरती? गुड मॉर्निंग। कौशल्या तुम कैसी हो? नहा लिया क्या? हाँ। इतनी सुबह नहा लिया, पूजा भी कर ली? वाह, चलिए बहुत अच्छा, अब देखते हैं माता पिता हमारे कहाँ हैं।
पापा अम्मा कहाँ है? कहाँ है? क्या लेने गए हैं? सुबह सुबह से नकरी लेने? बताओ, इतना सारा काम है हमारे माता पिता के पास कि भगवान क्या करे। मतलब काम को भी काम बना, नहीं ना भी काम हो तो काम बना लेते। वैसे आप सोचो, जिंदगी में कोई इंसान फ्री कैसे रह सकता है? कैसे रह सकता है फ्री, बताओ? नहीं रह सकता ना। अगर उसके पास कुछ काम नहीं होगा तो वो करेगा क्या? हमारे पास वैसे ज़्यादा काम ही नहीं है, फैमिली के पास भी नहीं। खेती बाड़ी का काम है, उस तरह का काम नहीं है कि शेरू भी हमारा वहाँ देखो है दूर। ये देखो धान हमारी कटना चालू हो गई, खेती की कटाई चालू है। इतना सब, वाह भैया, इस तरफ से नया कछवार लगवा रहे हैं। कछवार का मतलब होता है सब्जी भाजी, ठीक है। तालाब सूख रहा है, इसमें मछलियाँ बहुत डली हैं और मछली बढ़िया। आप कहोगे भैया आप भी खाते हो? कभी कभी खा लेता हूँ, पर फैमिली नहीं खाती है, मैं खा लेता हूँ, पापा जी खा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने छत के ऊपर गमले रखवा दिए हैं ताकि यहाँ सामने से कोई व्यक्ति निकल रहा है अपना, जैसे आप लोग निकल रहे हो तो आपको अच्छा लगे कि मंगल भैया जो दिखाते हैं घर वर, तो है ना, फूल उल ऐसे रख गए हैं। वैसे हमारे पास गमले नहीं थे ना, तो हमने ऐसे बर्तनों में रख दिए। देखो जैसे ये बाल्टी और ये गगरा, ठीक है, और ये स्टील की बाल्टी। इसमें वैसे कुछ दिन के बाद मुझे लग रहा है कि ये पेड़ मजबूत नहीं होगा क्योंकि स्टील की बाल्टी है, ठीक है। और उस तरफ पूरा का पूरा कूड़ा ही रख दिया है, यहाँ पर पूरा का पूरा कूड़ा ही रख दिया, ठीक है। और मेरी माँ बता रही थी कि यहाँ से बहुत सारे लोग निकलते हैं, रोड से निकलते हैं, तो उन लोगों को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ से निकलता है ना, तो वो आके यहाँ पे बैठ सकता है, बात करे, फैमिली से मिल ले, अच्छे से चला जाए। वो ऐसे संकोच ना करे, ऐसे संकोच करे कि भाई हम इनके पास जाएंगे तो ये थोड़ा सा वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। आप आइए, मिलिए, फिर जाइए। काफ़ी, एक दीदी आई थी एक दिन तो मिल के गई है। क्या नाम था उस दीदी का, नाम बताया आपको? मैंने नहीं, पढ़ने चली। आप पढ़ने चली गई थी, हाँ। ठीक है, कौन था, आरती थी? हाँ। आरती थी, कितने पढ़ते हो कौशल्या? छह में पढ़ते हो, वाह, बढ़िया पढ़ाई चल रही है ना इस बच्चों की, हाँ। जो हमारे कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ते थे वो कहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी? स्कूल में पूरे पढ़ रहे हैं ना, हाँ। देखो इस गांव में सारा का सारा कंट्रोल हमारे हाथ में, कोई टेंशन नहीं। सरपंच जो है अपने ही है, जो भी हो करवाना होता है ना सब करवा देते हैं सही से। जो जैसे जो चीज हम करवा रहे हैं सरकार भी करवा रही है, तो सरकार का जो थोड़ा सा वो होता है ना, तो वो गांव के कारण, जैसे गांव में स्कूल है तो गांव के व्यक्तियों के कारण स्कूल होता है। अगर हम सरकार तो वहां से बड़े अच्छे से देती है कि ले बढ़िया स्कूल, सरकारी स्कूल आपके गांव में दे रहे हैं, इसको आपको हम स्कूल दिखाएंगे, बहुत अच्छा स्कूल है, ऐसे ही फूल बढ़िया लगवाए हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे गाँव के स्कूल में, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। छोटे स्कूल में तो शायद 1 से 5 तक का जो स्कूल है उसमें तो पता नहीं, क्योंकि और जो बड़ा स्कूल है उसमें बढ़िया होती है, क्योंकि हम वहाँ से निकलते रहते हैं। छोटे स्कूल में ज़्यादा हमारा आना जाना नहीं रहता है, वो साइड में बना है और हमारे गांव को सीन भी अच्छा है। देखो एक रेस वैसे कुछ दिन के बाद क्रिस बोलने लगेगा, अभी वो बोल रहा है मम्मा मम्मा, क्या क्या बोल देता है, सब बोल लेता है ये। क्रिस इधर आ, चल बोल के दिखा, अम्मा बोल, अम्मा क्रिस, एक रेस देख, एक रेस इधर देख, बोल अम्मा, बोल अम्मा, बोल अम्मा, ने तो मार खाएगा, बोल पापा, बोल सुबह सुबह से खाना खाना खाना, ठीक है। चलिए माता पिता आते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ पर हमारे जो है पापा जी आ रहे हैं और एक व्यक्ति आ रहे हैं पूजा करके, भैया हमारे, कैसे भाई साहब? बढ़िया, माता जी की पूजा करके बढ़िया, ठीक है, चलिए चलिए। और ये हमारे पापा जी, कैसे पापा जी? बहुत बढ़िया। ये गोबर कहाँ से मिलेगा? ये गोबर लेकर आए हैं कार्तिक्रम जाम है, खतु जाम है। अच्छा, तो खेत में डालेंगे, अच्छा, गेहूँ पिसी जब आप पैदा करेंगे, धान पैदा करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा, पेड़ पौधा में डालेंगे वो पैदा करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आप भी चाहते हो कि ये भी हम करें? हाँ।
ये भी करे, अपना खेती किसानी करे। और ये मतलब आप भी चाहते हो कि हम भी गोबर ही उठाएं? अरे जो या जो हम कर रहे हैं ये ठीक है? ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये गोबर भी डालें, वीडियो भी बनाएं? हाँ, नहीं सब काम करना चाहिए। अगर पूरा का पूरा सब लोग हम यही करने लगेंगे तो फिर गड़बड़ नहीं होगी? कुछ वीडियो बनाओ, कुछ कुछ करो, कोई खाना बनाओ। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई भैंस गोरू चराओ, सब धंधा करो। क्या ये गोबर ओबर यहाँ कहाँ डाले जा रहे पापा जी? यहाँ तो तन्या है, आपको पता है। चलो अच्छा, यहाँ पे डाल रहे हैं गोबर। देखिए अब यहाँ पे दिमाग देखो हमारे पापा जी का, देखो वो खुद बताएंगे। हमने सोचा बस थक, यहाँ पे क्या दिमाग लगाए हो, ऐसे ऐसे डाल दिए हो? ऐसे डाल देंगे तो ऐसे ऐसे पानी चला जाएगा उधर को, पानी के साथ साथ और इधर ये खातू बह बह जाएगी। हाँ ये देखिए यहाँ से पानी आ रहा है, सही है, बढ़िया है, ठीक। तो काम नहीं रहता है तो आप यही ही करते रहते हो ना? नहीं आपको पैसे गिनने मन की इच्छा है हमारी, नहीं हमको कोई काम नहीं है ना? मन की इच्छा है ना, बैठे बैठे नहीं रह जाता तो करते हैं। हाँ यही करते रहो है ना? हाँ। पर जो हम वीडियो बनाते हैं इसमें ठीक है ना? ठीक है, हम वीडियो ही बनाएं। हाँ। अच्छा है, अच्छा है। यहाँ कोई मिलता है जैसे वीडियो बनाते हैं तो इसमें कोई आपको कभी मिला है? अरे आते हैं दोस्त, आते हैं, मिलते हैं, दादा कहते हैं दादाजी तुम बहुत अच्छे हो, हम तुमको पहचानते हैं, और आते हैं लोग। और अगर वीडियो ही नहीं बनाते तो वो लोग क्यों मिलते हैं ना? यहाँ कोई नहीं आता भैया। हाँ, इसीलिए ये वीडियो बनाना भी अच्छी बात है। अच्छी बात है, और हमारा इसमें मन भी लगा, पहचान होता है। हाँ। प्रेम होता है, व्यवहार बनता है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है काम। ठीक है, बढ़िया है। आई इसको भी देखना है, ये इसको भी देखना है, और आगे चल के ये रिकॉर्ड होके रख भी जाएगा ना, तो सब लोग देखा करेंगे। हाँ, हाँ सही है सब, ठीक। आशीर्वाद दे दो, खुश रहें। खुश रहो बेटे भैयो, खुश रहो। आ गए हैं, साथ में नहीं आए थे, अलग अलग आए थे, अब माँ जी आ रही हैं। पता नहीं सुबह सुबह से मैं जग के आया हूँ, इतना सारा काम कैसे ये लोग कर लेते हैं। और माँ जी तो मुस्कुराती हुई आ रही है, ये देख। जी माता जी, सुबह सुबह से इतना पाप करके आ गए? लगाना तो ये पेड़ क्यों काट लिए? ये बड़े होते तो काफी सारा अच्छा होता। क्या देख रहे हो वैसे? रोटी वाला है। हाँ, रोटी वाला छोटा वाला पेड़ है ना। हाँ। चलिए बहुत अच्छा, और आशीर्वाद वाशीर्वाद दे दो। दे रही है, रुक जाओ। अब मालूम है इसकी आदत कैसी है? देखो आप उंगली को पकड़ो, जैसे कोई इसको थोड़ा सा छू देगा इस, तो ये आंख में उंगली घुसेर के ऐसे आंसू निकालेगा बाहर, मतलब उंगली घुसेर लेगा तो आंसू निकलेंगे, देखना। और ये हमारी छोटी सी बकरिया, इसको देखो ये कितनी अच्छी है। है ना? हेलो हेलो जी माता जी, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। गुड मॉर्निंग, प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो। चलो नहीं, दरवाजा खोल रहे हो, देख लो महाराजा गेट खोल रहा है माता जी का। रात में जानवर आता है क्या? हाँ। वो देखो टमाटर लग गए है ना, वो बना दिया है, अब लग जाएंगे, बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, उसके ऊपर टमाटर फरेंगे। ठीक, अभी इसको एक मंजिल और करना है। एक मंजिल और करना है अभी का, एक मंजिल और बनाएंगे इसको। ठीक ठीक, बढ़िया है सर। लालो टला, ये देखो इस तरह से करके, और ये टमाटर के पेड़ लगा दिए, ये देखो है ना, कुछ दिन के बाद फरने लगेंगे। आपको सब्जी वैसे अब हमको लेने नहीं पड़ती, देखो ये रिगुआ यहाँ पे बाहर ही बड़ा फरा हुआ है, ये देखो बहुत बड़ा रिगुआ। क्या मैं कोई भारी डरा बड़ो है कि चलो ना जाओ। नहीं हम नहीं जा रहे हैं अभी, और धान को भी दिखाते हैं, ठीक है थोड़ा सा। ये देखो फसल अच्छी है, पर मुझे लग रहा है कि ये जो सफेद ये वाला है ना, इसमें कुछ लग गया, इसमें बीमारी है, जैसे माँ जी से पूछना पड़ेगा। ये देखो थोड़ा सा एक दो मतलब
उसमें दाना नहीं है। चलो माता जी से पूछते हैं। आप ये बताइए, जैसे वो धान है, धान है, हमने चेक किया है, उसके थोड़ा सा दाना खराब है, क्या हो क्या गया उसकी, कुछ बीमारी है क्या, क्या है? कीड़े लग गए थे। तो कितना परसेंट ठीक है? कुछ ठीक है? आधा ठीक है। आधा ठीक है, मतलब आधे का नुकसान, आधे का नुकसान हो गया। दवाई डालने के लिए मशीन नहीं थी ना, किसी के पास तो एक भी नहीं हुआ है, तो कम से कम मशीन ले आई, फिर लेट हो गया। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? इसको दूध लगा रहे हैं। ठीक, दूध काढ़ेंगे। ठीक, इतने सारे लोग दूध निकालते हो मिलकर। क्रिस के लिए। ठीक, भैंसियाँ वहाँ से छोड़ दिया गया है, सुनंदनी हाँक रही थी आने वाली होंगी थोड़ा देर में। ये इसको दूध पिला पिला कर इतना ताकतवर मत बनाओ कि ये बाद में हमको मारने मारने लगे। हाँ, जैसे पी रहा है। और वो कहाँ की कौन था माँ जी जो उस दिन मिली थी आपको? के थे घाबरा के थे, वहाँ बागेश्वर धाम के लगे उनका मायका था। अच्छा, तो अपने मायके वो गई थी। ठीक है, ठीक, वहाँ से लौट के आई। यहाँ से रोड से निकलते हैं आदमी तो मिलते भी हैं हमारी फैमिली से। वो रहते कि उस बार हम गए थे, पर हम वो हो रहे थे, इस बार रुक जाए। ठीक, तो मेरी से बोल रहे थे हम मोबाइल में तुमको देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जो है बागेश्वर धाम 55 किलोमीटर है, तो लोग यहाँ से भी जाते हैं बागेश्वर धाम। तो जो व्यक्ति हमें देखता है वीडियो में, तो वहाँ वो ये यहाँ पे रुक मिलता है, कोई कोई संकोच करता है उस टाइप का कि एक पता नहीं क्या कैसा है, तो ऐसा मत सोचना, आप लोग मिल लेना, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं इससे। और हमें प्रशंसा ही होगी कि आप लोग हमें देखते हो, मिलते हो। वैसे मैं नहीं मिल पाता, तो मैं वीडियो नहीं बन पाते उन लोगों के जो लोग यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर कितना देर रहूँगा, 3 घंटे सुबह के, मतलब 11 बजे तक यहाँ पे रहूँगा, ठीक है, नहीं 10 बजे तक, कभी 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 11 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से लेके और 10 बजे रात तक, ये टाइम होते हैं। दोपहर का जो होता है वो मैं घर में, गांव वाले घर में रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बागेश्वर धाम अगर जा रहे हो तो यहाँ पे रुकिए, हम उनके बारे में जितना कुछ पता होगा बताएंगे, हमारी फैमिली बताएगी। और यहाँ पे देखो नल भी लगा हुआ है, आप लोग स्नान स्नान करके, कमरे भी हैं हमारे पास, तो रुक सकते हो, आराम कर सकते हो। अगर बहुत दूर से आए हो, कहीं से भी आए हो, पास से भी आए हो, तो बैठ सकते हो आप, बढ़िया आराम से इस हमारे यहाँ मिल सकते हो। और अगर और अच्छा होगा, सब्जी भाजी भी लेते जाना भैया, हमारे यहाँ भरी हुई है और लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं सब्जी भाजी, अच्छी लगा देंगे, ताकि कोई हमारा वो आ रहा है तो उसको कम से कम गिफ्ट में देने के लिए सब्जी हो जाए हमारे पास। और बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा सब्जी भरी हुई है भाई, आप लोग ले जा सकते हो, देखो रिरुआ फरे हुए भारी भारी के। चलिए, ये देखो हमारे गांव का सीन बहुत अच्छा है भाई, इलाका देखो, है ना, है ना। अब गुड मॉर्निंग का सीन देखो, सूरज भगवान भी निकल आए हैं, और सुबह सुबह से मेरा ब्लॉग बन गया इतना बड़ा, बताओ। पापा जी फिर से टहलने चले गए, मतलब गोबर लेने। देख चाबी दिया लगा ले। शेरू इस इलाके में कहीं पर हमें दिख नहीं रहा है, पर हम बुला रहे हैं तो वो आएगा। शेरू कम कम, वो मालूम घर के पीछे रह गया, कहाँ था शेरू? क्रिस पकड़, माता जी आशीर्वाद दे दो, खुश रहो भैया, सब लोग अच्छे रहो। और वो कौन से गांव की थी जो आपसे मिलने आए थे? ओ, उनका यहाँ गांव है। कितने लोग, कितने सारे लोग? दो थे। और कभी आए हैं? कभी और आते हैं लोग कि कितने आते हैं? आते हैं, पर
कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग खड़ी करके रुकते हैं, बात आत करते हैं, और कुछ लोग देखते रहते हैं और चले जाते हैं कि ये उनका घर है। वो सोचते रहते हैं कि कहीं ना हो ये कुछ कहने लगे। तो ऐसा कुछ मत सोचिएगा, है ना। ऐसा कुछ मत सोचिएगा, जो कोई आ जाता है तो बहुत अच्छे से उनको। और ये भाई साहब जो है हमारे गाँव के हैं, कैसे भैया? बढ़िया बढ़िया, ठीक बढ़िया रहिए आप, हम भी बढ़िया हैं। हम घर जाके सबको लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर सुनंदनी भी है, कौशल्या भी है, कृष भी है, और यहाँ पर हमारा एक जो है, पता नहीं मैं हमारे घर में सबसे ज्यादा तो ये है कि आप लोगों को डिफरेंट होगा कि भाई इतने सारे चूल्हे क्यों बने होते हैं। देखो वहाँ पर घर पे चार चूल्हे बनाए हैं। यहाँ पर गैस सिलेंडर में बनाते हैं, रात का खाना यहाँ पे बनाते हैं, और सुबह का खाना जो है यहाँ पे बनाते हैं। देखो सुबह का खाना यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पर भी चूल्हे बना दिए हैं। कर क्या रहे, दो चूल्हे बनाए हैं लोग, और यहाँ पे एक दो बना दोगे। सुनंदनी क्या करना, क्या चाहते हो आप? चूल्हों का क्यों इतना तादाद में आप चूल्हे? और हम घर से लेकर आए हैं, दिखाओ क्या क्या लेकर आए हो, जल्दी से फैमिली को दिखाओ। बोतल दिखाओ उठा के, माठा लेकर आए हैं। माठे बढ़िया, प्याज में बढ़िया खाएंगे। वाह, इसकी कढ़ी बनाएंगे। कढ़ी बनाओगे? हाँ। आज ही बनाओगे? हाँ। तो बताओगे कि कढ़ी कैसे बनाते हैं? हाँ। वैसे मेरे पास टाइम नहीं है, आप तो बताने के लिए टाइम है, पर मेरे पास टाइम नहीं वीडियो बनाने के लिए, इसलिए चलो यहीं पर वीडियो का अंत करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आप लोगों को मैंने कहा है ना कि एक चीज याद रखना, कृपया करके मेरे बारे में मेरी अगर मदद करना चाहते हो तो आप सोचना, कुछ सोचना, आपके लिए भी काम है एक, मतलब सोचना ऐसे लेट के आराम से सोचना कि क्या ऐसी बात है, क्या कुछ ऐसा लिखो। आप सुपर वेरी नाइस लिखते हो तो इस ये तो समझ लो सब लिखते हैं, पर कुछ अलग लिखो, कोई शायरी हो आपके अंदर, कोई डायलॉग हो, कोई फैमिली का गाना हो, कोई ऐसा चीज़ हो जो आप वीडियो देखना चाहते हो उसमें, तो वो लिख के भेजो। हम कमेंट पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में वही चीज डलेगी। आपके कमेंट देखते हैं, भैया खाना कैसा खाते हो? देखो खाली का टेंशन नहीं लेना है आपको, फ्री का, हम आपको फैमिली मानते हैं, आप भी हमको फैमिली मानो, मैं आपका भाई हूँ। देखो भाई भाई का बहना बहना करता रहता हूँ तो समझ जाओ, है ना। तो कृपया करके मेरी बहनें तो मुझे सपोर्ट कर सकती हैं ना, बहनें ही तुम लोग तो सोच के बता देना, ठीक है। चलो बाय।